उमरिया जिले के नौजवान प्रतिनिधि मुख्यालय ने लोक सेवा केंद्र संचालन लोक सेवा केंद्र में आवास सेंटर जो की लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। यहाँ के आवास सेंटर कर्मचारी के द्वारा लोगों से आधार में मामूली त्रुटि सुधार के लिए 600 रुपए की मांग की जा रही है, तो वहीं हितग्राहियों से कहते हैं कि इस बात का आप कहीं जिक्र न करें, हमने आपसे 600 रुपए लिया है। आज एक पीड़िता ने बताया कि मैं अपने बच्चे का आधार कार्ड सुधरवाने गई थी, आधार सेंटर में पदस्थ महिला कर्मचारी ने हमसे 600 रुपए ले लिए, जाकर आधार सुधर पाया। ऐसे भोले भाले ग्रामीणों से प्रतिदिन अवैध वसूली की जा रही है, इसमें लोक सेवा केंद्र के संचालक की मिली भगत से लूट की जाती है। आधार बनवाने के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जाता है। तहसील कार्यालय के अंदर संचालित लोक सेवा केंद्र में आधार सेंटर के ऐसे कई मामले सामने आए हैं, तो वहीं लोक सेवा केंद्र में शुल्क का कहीं भी सूचना पटल पर चेस्ट क्या काम करवाने आई किस तहसील में आप आए हुए? क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ 600 रुपए ले लिए आधार कार्ड सुधरवाने के लिए। किस बात का पैसा लिए? पता नहीं, पूछ रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि ये नहीं बताना किसी से कहा है। 600 रुपये लगेगा, जल्दी दो घंटी मैं अपने बच्चों के लिए जल्दी आओ के कहा थे, जाओ 600 रुपये ला के दो, 500 का नोट लेके आए, तब इनको मैं 600 रुपये। कहाँ पे आपका पैसा लगा, किस तरह?